रुकते हैं प्रदेश की ओर। जिला बिलासपुर में लगातार बच्चा चोर गिरोह की जो खबरें आए दिन आ रही है, ये मात्र अफवाह है, ये अपील बिलासपुर पुलिस ने मीडिया के माध्यम से जनता से की है, क्योंकि जिला बिलासपुर में आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि बच्चे चोर गिरोह सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस की जांच में अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। जिला बिलासपुर में लगातार बच्चा चोर गिरोह की जो खबरें आए दिन आ रही हैं, ये मात्र अफवाह है, ये अपील बिलासपुर पुलिस ने मीडिया के माध्यम से जनता से की है, क्योंकि जिला बिलासपुर में आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि बच्चे चोर गिरोह सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस जांच में अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। जिला पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि लोग इस तरह की अफवाहों से बचें, क्योंकि पिछले दिनों जामली बिलासपुर अस्पताल व हरित लियाड़गढ़ में जो बच्चा चोर गिरोह की बात उठी थी वो कोरी अफवाह थी, अतः उन्होंने आम जनता से भी आह्वान किया कि इन अफवाहों से बचें। इस केस में भी बच्चों को अगवा करने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ये लोग जिन्हें शक के आधार पर पकड़ा गया था, ये मजदूरी का कार्य करते हैं और काफी समय से हटवाड़ क्षेत्र में रह रहे हैं, अतः उन्होंने आमजन से बार बार यही आह्वान किया कि इन अफवाहों से दूर रहें और समाज निर्माण में सही भूमिका निभाएं। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में इससे पहले हमारे पास 3 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे, जिसमें कि लोगों को ऐसा शक था कि कोई बाहर के लोग आके बच्चे को किडनैप करने वाले गिरोह के पार्ट हैं। 3 इंसिडेंट जो हमारे जामली में हुए थे, हमारा एक हॉस्पिटल में हुआ है सदर के एरिया में, और एक हमारा भराड़ी में हरित लंगियार जगह में हुआ है। इन तीनों केसेस की अलग अलग पुष्टि की गई है और ये पता लगा है कि इसका बच्चा उठाने से कोई लिंक नहीं था, और यही चीज़ हम लोग आपके मीडिया के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि इन तीनों इंसिडेंट्स में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। लेकिन हमारे पास 2 दिन पहले भराड़ी थाने में ही एक और इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है हटवाड़ा जगह से। उसमें जो कंप्लेनेंट है वो इंसिस्ट कर रहे, वो उन्होंने 2 बारी हमें आके बताया कि भी इस तरह का इंसिडेंट उनके साथ हुआ है। उसके ऊपर हम लोगों ने एक एफआईआर दर्ज की है सिर्फ इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें सामने आएगा कि जो ये लोग थे जिनके अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेंट की है, उनकी क्या मंशा थी, किस इंटेंशन से वो इनके पास गए थे, या जो भी इंसिडेंट वहां पे हुआ है वो सारा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। जबकि हटवाड़ पंचायत प्रधान प्रमिला देवी ने बताया कि ये तीनों लोग बेकसूर हैं और इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। प्रमिला शर्मा, और ये जो बच्चा गिरोह के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, और इस तरह से मेरी पंचायत में लगभग कोई 600 के लगभग बिहारी लोग वहाँ पे रहते हैं, और ये जो बच्चा गिरोह के बारे में बात फैलाई है, ये 3 बच्चे थे और ये सड़क पे जा रहे थे, मैं भी पंचायत में थी, मेरे प्रधान जी थे और लोग भी वहाँ सेक्रेटरी के साथ काम करवाने के लिए वहाँ लोग आए हुए थे। बट क्या हुआ कि वो जो जिनके साथ इन लोगों बच्चों की लड़ाई झगड़ा हुआ वो लोग भी वहाँ पर आए हुए थे, और क्या वो पंचायत में काम करवाने के लिए आए हुए थे, और पंचायत में क्या हुआ कि वो जो है लड़की थी वो नाबालिग लड़की थी, और उन्होंने जो है पंतेड़ा पंचायत से उस लड़के ने हटवाड़ पंचायत की लड़की के साथ भाग करके शादी की हुई है, और जो जिस लड़के ने वहाँ पे भाग करके शादी की है वो लड़का वहाँ पे ये बोल रहा था कि आप मेरा नाम, आप मेरी फैमिली, अभी मेरी जो घरवाली है वो 18 साल की हुई है और आप वहाँ पे उसका नाम काट करके हमें दीजिए। वो मेरे सेक्रेटरी महोदय ने मना किया उसको कि आप पहले शादी करवा के लाओ, उसके बाद मैं इसका नाम काट करके दूंगा। ये मेरे सामने की बात है, और वो लड़के वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद नीचे इनका इन बच्चों का लड़ाई झगड़ा हुआ वहाँ पर, और लड़ाई झगड़ा होने के बाद क्या हुआ कि मैं ऊपर थी और जैसे मैं बाहर निकली गेट के सामने गई तो नीचे गाड़ियां खड़ी थी, और गाड़ियों के पास जब मैं नीचे वहां पे मैंने सोचा पता नहीं अभी यहाँ पे क्या गामा हुआ, कोई एक्सीडेंट केस हो गया है। जैसे मैं वहां पर गई तो मैंने वहां देखा कि वहां पे एक लड़के को, वो लड़के जो पंतेड़ा पंचायत के हैं, वो दो ये लड़के जो है इस लड़के को मार रहे थे, जो अंदर अरेस्ट किया गया लड़का है उसको किया। उसके मैंने उसके उन्होंने बोला जी ये बच्चे को छीन रहे थे ऐसे, मतलब उन्होंने अफवाह फैलाई, और बाद में जब मैंने पुलिस को, मैंने तुरंत उसी टाइम पुलिस को फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे मतलब ऐसा बोल रहे हैं, तो कृपया करके आप यहाँ आइए। और पुलिस उसके बाद ठीक, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी नहीं थी, गाड़ी SHO साहब पपराल गए हुए थे गाड़ी लेकर के, उसके बाद यहाँ प्राइवेट गाड़ी की गई, वहां पुलिस मौजूद गई, और मेरे ASI अशोक सर गए
है, उसके साथ सुरेश सिंह, सुरेश सर भी थे और एक होमगार्ड के लड़का था, वो तीनों आदमी वहां पर गए। हम वहां पे उन इन तीनों लड़कों को, जबकि वहां पे ये तो फिर वहां पे अफवाह फैल गई कि बच्चा गिरो बच्चा गिरो, तो गांव के लोग और भी वहां पर मौजूद आए, उन्होंने वहां पे देखा कि ये तो बच्चा गिरोह वाले लड़के नहीं लगते हैं, इनकी हमने इनकी पूरी वेरिफिकेशन हम बच्चों की इनकी मंगवाई, और जहां पे लड़के इनकी माँ की, हमारी माँ की बातें हुई हमारे से, बहन भाभी की बातें हुई, इनके वहां के प्रधानों की बातें मेरे से हुई, उन्होंने कहा कि नहीं ये कमाने के लिए वहां पे गए हैं। तो ये बताया गया कि दो भाई जो है ये 3 महीने पहले भी यहाँ पे आए होते, लेकिन इनके साथ एक लड़का नया आया हुआ रात को भाई, और अभी ये लड़के, इन लड़कों से जब पूछा गया पुलिस के द्वारा, तो ये बता रहे थे कि हम सब्जी लेने के लिए वहां पे गए, और वो सब्जी लेने के लिए गए तो हम वहां पे क्या हुआ कि हम हमारा हाथ जो है ऐसे गाड़ी के साथ ऐसे मतलब टकराया, इस लग गया, और इस वजह से उन औरतों ने ऐसे हमारे ऊपर हंगामा कर दिया कि ये हमारे बच्चे को छीने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ऐसे मैटर कोई भी ऐसी कोई गलत फैलाई गई है, एंट्री है कि नहीं थाना में कि नहीं है, अभी एक परसों ही आए हैं लड़के। देखिए आप सभी अपनी पंचायतों में बिल्कुल भी सतर्क हो जाएं, जो भी बाहर राज्य मजदूर, मैं सुबह अर्लिंदा मॉर्निंग, मैं अर्लिंदा मॉर्निंग अपनी पंचायत में गई और मैंने इन सबको यही कहा कि आप अपनी एंट्रियां वहां पे कराइए। ठीक है, धन्यवाद जी। ये हुआ है यहाँ पे।